परिचय रसायन विज्ञान में हम वस्तुतः पदार्थ की संरचना संघटना एवं उसके गुणधर्म का अध्ययन करते हैं जिन्हें पदार्थ के मौलिक अवयवों परमाणुओं एवं अणुओं के माध्यम से अच्छी तरह समझा एवं परिभाषित किया जा सकता है उदाहरण के लिए औषधि विटामिन शक्तिवर्धक औषधि उर्वरक उद्योग बहुलक साबुन अपमार्जक जलरोधक वस्त्र एवं अग्निरोधी निर्माण सामग्री ये सभी रसायन विज्ञान से संबंधित हैं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान की भूमिका एवं उपयोगिता को समझना द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के अभिलक्षणों की व्याख्या करना पदार्थों का तत्वों यौगिकों एवं मिश्रणों में वर्गीकृत करना ऐसाई आधार मात्रकों को परिभाषित करना परिशुद्धता एवं यथार्थ भेद को स्पष्ट करना रसायन विज्ञान का महत्व रसायन विज्ञान ने मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु खाद्य सामग्री स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है विभिन्न प्रकार के उर्वरकों कीटनाशकों एवं जीवाणुनाशकों की उन्नत किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके ज्वलंत उदाहरण हैं इसी प्रकार पशु एवं वनस्पति स्रोतों से संश्लेषित अथवा कृत्रिम विधियों से निर्मित कई जीवन रक्षक दवाएं हैं यथा कैंसर के उपचार में प्रभावी सिज्सप्लास्टीन एवं टेक्सोल और एड्स पीड़ितों के उपचार में प्रभावी एजिडिटी अर्थात एजिडोथामाइडिन द्रव्य की प्रकृति ऐसा भौतिक पदार्थ जिसका द्रव्यमान एवं आयतन हो अर्थात जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य, द्रव्य द्वारा बनी हैं, यथा किताब कलम पेंसिल जल वायु जीवित प्राणी इत्यादि सभी द्रव्य द्व्य द्व्य द्वारा ही निर्मित हैं द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव एवं गैस ठोस का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है द्रव का आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित द्रव का आकार उस पात्र के आकार पर निर्भर है जिसमें उसको रखा जाता है गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही आकार वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह से फैल जाती है जिसमें उसको रखा जाता है द्रव्य का वर्गीकरण वृहद अर्थात बड़े स्तर पर द्रव्य का वर्गीकरण मिश्रण अथवा शुद्ध पदार्थ के रूप में किया जा सकता है मिश्रण हमारे आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलियन वायु चाय आदि सभी मिश्रण ही हैं किसी मिश्रण में दो अथवा दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं जिन्हें उस मिश्रण का अवयव अथवा घटक कहा जाता है उदाहरण के लिए कहवा रासायनिक यौगिकों का एक जटिल मिश्रण होता है मिश्रण के प्रकार किसी मिश्रण को समांगी एवं विषमांगी में वर्गीकृत किया जा सकता है समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण में सभी अवयव एक दूसरे में पूर्णता मिश्रित होते हैं एवं इसका संगठन आद्योपांत एक समान रहता है उदाहरण जल में चीनी का मिश्रण जल में नमक का मिश्रण जल में तूतीय का मिश्रण विषमांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में अवयवों का संगठन आद्योपांत एक समान नहीं रहता एवं कभी कभी तो मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग अलग भी देखा जा सकता है उदाहरण चीनी एवं नमक का मिश्रण अनाज एवं दलहन में मिले धूल कण शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थों की विशेषताएं अथवा अभिलक्षण मिश्रण से भिन्न होते हैं उनका निश्चित संगठन होता है जबकि मिश्रण में घटकों का अनुपात अनिश्चित होता है और उनका संगठन भी भिन्न हो सकता है उदाहरण तांबा चांदी सोना जल शर्करा अथवा ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है किसी तत्व में केवल एक ही प्रकार के कर्ण होते हैं यह कर्ण अणु अथवा परमाणु हो सकते हैं उदाहरण हाइड्रोजन हीलियम, कार्बन सोडियम तांबा चांदी ऑक्सीजन इत्यादि यौगिक जब भिन्न तत्वों के दो अथवा दो से अधिक परमाणु संयोजित होते हैं तो यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं जल अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड चीनी इत्यादि द्रव्य का गुणधर्म प्रत्येक पदार्थ का अपना विशिष्ट अथवा अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है इन गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म किसी पदार्थ का भौतिक गुणधर्म वह गुणधर्म है जिसे पदार्थ की मूल संरचना अथवा संगठन में बिना किसी परिवर्तन के मापा जा सकता है अथवा उसका अवलोकन किया जा सकता है उदाहरण रंग गंध गलनांक, क्वनांक घनत्व इत्यादि रासायनिक गुण धर्मों को मापने अथवा अवलोकन के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है उदाहरण विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जैसे अम्लता क्षारता दहनशीलता आदि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एस आई मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी एस में सात आधार मात्रक होते हैं एवं इन मात्रकों का संबंध सात मूलभूत वैज्ञानिक राशियों से है अन्य भौतिक राशियां जैसे गति आयतन घनत्व आदि इन्हीं से व्युत्पन्न हैं एसआई के आधार मात्रकों की परिभाषा नीचे तालिका में दी गई है एसआई प्रणाली में किसी मात्रक के अपवर्तयों एवं अपवर्तकों को व्यक्त करने हेतु उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है द्रव्यमान एवं भार किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है परन्तु वस्तु का भार भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकता है क्योंकि स्थान परिवर्तन के कारण इसके गुरुत्व में भी परिवर्तन होता है किसी प्रयोगशाला में वैश्लेषिक अथवा सूक्ष्म ग्राही तुला की सहायता से किसी पदार्थ के द्रव्यमान का सटीक निर्धारण किया जा सकता है आयतन एवं घनत्व आयतन का मात्रक घन लंबाई होता है अतः ऐसा पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है रासायनिक प्रयोगशालाओं में अपेक्षाकृत छोटे आयतनों का उपयोग होता है अतः आयतन को ज्यादातर सेंटीमीटर क्यूब अथवा डेसीमीटर क्यूब मात्रकों में व्यक्त किया जाता है द्रवों का आयतन मापने के लिए प्रायः सामान्य मात्रक लीटर का प्रयोग किया जाता है जो कि एसआई मात्रक नहीं है एक लीटर बराबर होता है एक हजार मिलीलीटर के एक हजार सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है एक डेसीमीटर क्यूब के प्रयोगशाला में अंशंकित सिलेंडर ब्यूरेट पिपेट आदि द्वारा द्रवों अथवा विलियनों का आयतन मापा जा सकता है आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग ज्ञात आयतन का विलियन बनाने में किया जाता है किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है अतः घनत्व का एसआई मात्रक इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है घनत्व का एसआई मात्रक बराबर द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटे आयतन का एसआई मात्रक जो कि बराबर होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब अथवा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ताप ताप मापने के तीन सामान्य पैमाने हैं डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट और केल्विन यहाँ के यानी केल्विन एस आई मात्रक है सामान्यतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को शून्य डिग्री से सौ डिग्री तक अंशांकित किया जाता है जहाँ ये दोनों ताप क्रमशः जल के हिमांक तथा क्वनांक हैं फॉरेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री से 212 डिग्री के मध्य व्यक्त किया जाता है इन दोनों पैमानों पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित है फॉरेनहाइट बराबर नौ बटे पांच डिग्री सेल्सियस जमा तीन कैलविन पैमाना सेल्सियस पैमाने से निम्न प्रकार संबद्ध है के बराबर डिग्री सेल्सियस जमा दो सौ तिहत्तर दशमलव एक सार्थक अंक सार्थक अंक वैसे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों अनिश्चितता को सूचित करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं फिर अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है सार्थक अंकों को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बने हैं जो निम्न हैं सभी अशून्य जो शून्य नहीं है अंक सार्थक होते हैं उदाहरण दो सेंटीमीटर में तीन सार्थक अंक हैं एवं शून्य दशमलव दो एमएल में दो सार्थक अंक हैं नंबर दो तो, प्रथम अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते इस प्रकार के शून्य मात्र दशमलव की स्थिति को दर्शाते हैं अतः शून्य दशमलव शून्य तीन में मात्र एक ही सार्थक अंक है एवं शून्य दशमलव शून्य शून्य पांच दो में सिर्फ दो सार्थक अंक हैं तीन दो अशून्य अंक के मध्य स्थित शून्य अंक सार्थक होते हैं चार किसी अंक के अंत में अथवा दाई ओर आने वाले शून्य सार्थक होते हैं परंतु शर्त यह है कि वो दशमलव के दाई ओर स्थित हो उदाहरण शून्य दशमलव दो शून्य शून्य ग्राम में तीन सार्थक अंक है लेकिन जिन संख्याओं में दशमलव नहीं है उनमें दाई ओर स्थित शून्य सार्थक नहीं होते उदाहरण के लिए हम सौ को ले सकते हैं इसमें केवल एक सार्थक अंक है पांच यथार्थ संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या अपरिमित होती है उदाहरण के लिए दो गेंदों या बीस अंडों में अपरिमित सार्थक अंक है क्योंकि ये दोनों ही यथार्थ संख्याएं हैं एवं इन्हें दशमलव अंकित करने के बाद अपरिमित शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है जैसे दो बराबर दो दशमलव शून्य 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 या बीस बराबर बीस दशमलव शून्य 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 चार दशमलव शून्य एक गुणा दस वर्ग में तीन सार्थक अंक हैं और आठ दशमलव दो पांच पाँच छुणा दस का बाद ऋण तीन में सार्थक अंकों की संख्या चार है सार्थक अंकों का गुणा और भाग एवं जोड़ और घटाव परिणाम को आवश्यक सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए संख्याओं के निकटतम राउंड ऑफ मान लिखते वक्त निम्न बातों का ध्यान रखें यदि दाएं तरफ का अंतिम अंक पांच से अधिक है और उसको हटाना है तो उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है उदाहरण एक दशमलव तीन आठ अब अगर हमें दाई तरफ के अंतिम अंक अर्थात छह को हटाना है तो हम उसके निकटतम अंक आठ में एक जोड़ देंगे अर्थात ये नौ हो जाएगा और अब एक दशमलव तीन आठ छह का निकटतम मान एक दशमलव तीन नौ हो जाएगा अगर दाई तरफ का अंतिम अंक पांच से कम है और उसे हटाना है तो उसे हटा देंगे लेकिन उसका निकटतम अंक अपरिवर्तित ही रहेगा उदाहरण चार दशमलव तीन तीन चार में से दाई तरफ का अंतिम अंक अर्थात चार को अगर हटाते हैं तो इसका निकटतम अंक अर्थात तीन अपरिवर्तित ही रहेगा अतः चार दशमलव तीन तीन चार का निकटतम मान चार दशमलव तीन तीन होगा यदि सबसे दाई तरफ के अंतिम अंक को हटाना है और उसका मान पांच है तो ऐसी स्थिति में यदि उसका निकटतम अंक सम है तो वो अपरिवर्तित रहेगा परंतु विषम अंक होने की स्थिति में मान में एक अंक की बढ़ोतरी होगी उदाहरण यदि छह दशमलव तीन पांच से पांच को हटाकर निकटतम अंक लिखना है तो हमें तीन को चार करना होगा अर्थात छह दशमलव तीन पांच में से पांच को हटाने के बाद निकटतम अंक छह दशमलव चार होगा जबकि छह दशमलव दो पांच में से यदि पांच को विलोपित करेंगे तो इसका निकटतम मान छह दशमलव दो ही होगा क्योंकि पांच के ठीक पहले वाला अंक सम क्या आप जानते हैं ज्वलनशीलता सिद्धांत के दृष्टिकोण से सभी द्रव्य में ज्वलनशीलता एक घटक के रूप में विद्यमान रहती है किसी वस्तु के जलने का अर्थ है उस द्रव्य में विद्यमान ज्वलनशील घटक का निस्तारण अगर कोई वस्तु नहीं जलती है तो माना जाएगा कि उस वस्तु में ज्वलनशील घटक मौजूद नहीं है ज्वलनशीलता का सिद्धांत किसी वस्तु के दहन का अर्थ उसके ज्वलनशील घटक का वायु में निस्तारण है प्रागलन द्वारा धातु निर्माण के लिए अपेक्षाकृत कम ज्वलनशील अयस्क के साथ ज्वलनशील घटक का मिश्रण आवश्यक होता है मोर्चा युक्त अथवा अपरिष्कृत धातु से ज्वलनशील घटक का वायु में निस्तारण अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं सभी पदार्थ द्रव्य से निर्मित होते हैं जो तीन अवस्थाओं ठोस द्रव और गैस में पाए जा सकते हैं द्रव्य को तत्व यौगिक एवं मिश्रण में भी वर्गीकृत किया जा सकता है रसायन विज्ञान में राशियों के मापन में दस की घात घटा इकतीस से लेकर दस की घात जमा तेईस जैसी संख्याएं आती हैं अतः इन्हें व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन जैसी उपयुक्त पद्धति का उपयोग किया जाता है प्रेक्षणों में सार्थक अंकों की संख्या का उल्लेख कर अनिश्चितता का ध्यान रखा जा सकता है विभिन्न परमाणुओं का संयोजन रासायनिक संयोजन के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार होता है